हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो है ना पुष्टि वाला गैसकेट था ये काफ़ी बार जल चुका है घड़ी घड़ी पानी फेंकने की वजह से। तो आज हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो चेंज करने के लिए हमने हेड को हेड वाले को दिखाया, पर हेड वाला कहता है कि ये हेड बनेगा नहीं, ये ख़त्म हो चुका है हेड और हेड चेंज करना होगा। हम इसको इस तरह से साफ सुफ कर वापस काम में ले रहे हैं। ये हेड हम फेस भी नहीं करें और इसको बनाई भी नहीं, तो इसके लिए हम इसको आज स्टील वाला गैसकेट डालेंगे। स्टील वाला गैसकेट डाल के उसका हम एक बार इसकी लाइफ इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह की लाइफ इस्तेमाल करने के लिए रिक्स है कि ये अगर नहीं चलेगा तो फिर हमको हेड चेंज करना होगा। हेड चेंज करने के लिए सब कुछ नया लेना होगा, तो इसके लिए हम एक बार स्टील का गैसकेट डाल के हम आज चेक करने वाले हैं। स्टील का गैसकेट डालने का मकसद ये है, जो हेड ख़त्म हो जाता है, इसकी लाइफ ख़त्म हो गई, तो वो गैसकेट हमको दोबारा काम में नहीं आता है। तो इसके लिए फोर साइज़ गैसकेट लगता है, जैसे 3 कट का हम रेगुलर में डालते हैं, ये 4 कट का होता है और ये हैवी होता है और ये एडजस्ट कर लेता है थोड़ा बहुत। अगर हेड आउट होता है आपका तो वो हेड इसमें धक जाता है, जबकि ये जो पुष्टे वाला गैसकेट जो होता है तो वो छोटा होता है, पतला, इसके साइज़ में और इसके साइज़ में फ़र्क होता है। तो हम ये गैसकेट फिट करने वाले हैं। तो हमने पूरा साफ सूफ कर लिया है, अब हम इसको फिटिंग करने वाले हैं। तो फिटिंग करने के लिए इसका हेड चेंज करने का और एक कारण है कि इसके जो बोल्ट की साइज़ है होल, तो होल में काफ़ी सारे खड्डे हो चुके हैं स्टडों में, इसको एक एक्स्ट्रा वाइशर डाले हुए और इनमें से बोल्ट भी निकलते नहीं बराबर। इसके लिए हम क्या करने वाले, इसको एक चांस लेने वाले और नहीं तो फिर हम हेड चेंज कर देंगे। तो हेड चेंज करने के लिए हमको पूरा हेड ही एक बार फिर से ख़राब गैसकेट चेंज करना होगा। हम इसको ट्रायल करेंगे, इसको चेक करके कि हमारे काम में आएगा क्या नहीं। अब ऐसे भी तो हेड चेंज करना है तो सिर्फ गैसकेट ही लगेगा, तो हम एक लाइफ लाइन ले लेते हैं गैसकेट की और हेड हम फिट कर देंगे इसके ऊपर ही। और गाड़ी काफ़ी दूर की है बाहर की, उसके लिए हमको हेड चेंज करने में भी टाइम भी लगेगा, हेड मिलेगा नहीं जल्दी। हेड लेकर उसको सर्विसिंग भी करना होगी, बनाना भी होगा, तो कम टाइम में वो बनेगा नहीं। तो ये हमारा स्टील वाला गैसकेट है जिसको पतरे का गैसकेट कहते हैं, हम उसको फिट कर देने वाले हैं। तो पतरे गैसकेट में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सेट होने में, और जो आपका जो पुष्टे का गैसकेट होता है तो उसको टाइम लग जाता है सेट होने में, फिर से दोबारा उसको हाथ यानी टाइट करना होता है, और तो इसको हमको डबल टाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके ऊपर टॉप लिखा हुआ है तो ये टॉप हमारा ऊपर रह जाएगा और इस तरह से फिट हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होता है, बस इस तरह से फिट हो जाएंगे, कोई डाउन नहीं है इसमें। तो ये हमारा फिट बैठ चुका है, हम इसको बोल्ट लगा देंगे।
हिट के साथ में इसके बोल्ट भी बदल देंगे, 6 की 6 बोल्ट नए डाल देंगे, क्योंकि ये बोल्ट जो है तो खराब हो जाएंगे, सब साइज उसकी डाउन हो जाएंगी, और हम वो बोल्ट निकाल के चेंज कर देंगे, नए वाले बोल्ट ही लगाएंगे हम। अब देख सकते हैं इसमें हर बोल्ट पूरा टाइट होके जा रहा है अंदर तक। हमारा हेड बैठ चुका है, हम इसको फाइनल करेंगे फिर दिखाएंगे आपको हम पूरा फाइनल होने के बाद। ठीक, हमारा हेड फाइनल हो चुका है, अब हम उसको एक बार बाद में चेक करेंगे थोड़ा चलने के बाद। ऐसे इसकी तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको हम चेक करेंगे चालू करके, चालू करने के बाद आपको दिखाएंगे हम, बाकी के सामान लगाते हैं, टाइमिंग लेते हैं और फिर दिखाऊंगा मैं आपको।